तो भाई ये आ गए हम पार्किंग में। यहाँ पर 1000 येन हमने दिया है पार्किंग के लिए, और गाड़ी यहाँ पर खड़ी करके कुछ इस तरह का नज़ारा है पार्किंग से, वो आप देख सकते हैं, पहाड़ है। और अभी हम जो है वो गेट पे से मैप लेंगे, वो मैप से हम देखेंगे कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और चल पड़ेंगे। कैसा लग रहा है आफरीन? मज़ा। तो यहाँ पर ये लोग 1000 येन ले रहे हैं हमसे। आफरीन ये देखो पैसे जमा कर रहे हैं हमारे, और ये गाड़ी आते जा रही है अंदर पार्किंग में। मैप लिया आफरीन? तो ये मैप है, इस मैप को देख के हम फॉलो करेंगे, आपको बताते गाड़ी कैसे आ रही है अंदर। ये देखो गाड़ी आते जा रही है। अच्छा हम लोग जल्दी आ गए, वरना हमें पार्किंग नहीं मिलती। पार्किंग फुल होने के दरार पे है, और सर्दी भी बढ़ते जा रही है। तो भाई जैसे जैसे हम लोग अभी चलते चलते जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं, कुछ इस तरह का है आफरीन। अब थोड़ी ठंडी लग रही है। ये देखो बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, लाइफ टाइम में एक बार आना जरूरी है। तो ये अंदर की तरफ जा रहे हैं हम। क्या है फ्रेंड ये? मुझे भी नहीं पता। कोई घंटे छंटे लगे आ गए, देखते हैं। काफी बर्फ है, बहुत स्लिप हो रहा है। ये देखो आफरीन चुपके खड़ी है स्नोफॉल से, और जिसे अभी तक बर्फ का ठंडी नहीं लग रही थी। नहीं, मुझे ठंडी अभी भी नहीं लग रही है, उससे अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी लगना शुरू हो गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे भी आए हैं यहाँ पर, तो बच्चे को भी यहाँ पर मज़ा आ रहा है। ऐसा कि नहीं सिर्फ बड़े लोग ही इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। तो आफरीन कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पर हम लोग पूरी तैयारी में नहीं आए। बर्फ़ होने वाली मुझे पता था, पर मैंने अम्ब्रेला भूल गई, इसलिए अभी थोड़ा वो हो रहा है। वो क्या हो रहा है? ठंडी लग रही है। तो ये देखो थोड़ी भूख भी लगना शुरू हो गई है आफरीन, कुछ खाने का बंदोबस्त है कि नहीं? इधर वो मिसो टोफू मिलता है, वो बहुत टेस्टी रहता है, और फिश फ्राई। बहुत प्यारी जगह है। ये देखो यहाँ पर छोटी छोटी दुकान है अंदर, तो दुकानों में से देखते हैं कुछ है हमारे काम की चीज या नहीं। तो आफरीन यहाँ पर रुकी है राइस केक खाने के लिए, मोची कहते हैं इसे, और कॉफी पियेंगी। हाँ, एक ही कॉफी लेते हैं, एक ही ले, वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ये बेच रहे हैं हमें, ये देखो बन रहा है, ये क्या कोयले के ऊपर बना रहा है? हाँ, ये मेन्यू है इनका, जो आफरीन ने लिया 250 येन का है ये। कॉफी फ्रेश बना रहा है, ये पैसे गए उसके हाथ में, और ये हमारा राइस केक बन रहा है। तो ये आ गया आफरीन के हाथ में राइस केक, और अब आया टेस्टिंग टाइम।
कैसा है? मीठा है। मुझे लगा था मीठा है आपका। फंस गई मैं लेके। तो ये फंस चुके हैं लेके, चिड़िया भी नहीं खिलाने के लिए। तो आफरीन ने राइस केक लिए और उसके जान पे आ गया राइस केक। फिर भी आफरीन का टेंशन नहीं, खा तो लेंगी वो बाद में, अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। हाँ हेल्दी है। नहीं चाहिए मुझे इतनी हेल्दी चीज। और ये कॉफी भी आ गई है आफरीन की। ये देखो ये बास्केट है, आप अपने कंधे से स्कूल बैग जैसा लेके इसके अंदर आप चीज़ें जमा कर सकते हो। हर छोटी छोटी चीज़ में खूबसूरती है पर, जैसे कि बहता हुआ पानी और सामने पहाड़ बर्फ़ से ढका हुआ। ये देखो पूल, बहुत ज़बरदस्त पूल है। पूल के नीचे तो आपको पता ही होगा बहता हुआ पानी है। और ये टूरिस्ट जा रहे हैं यहाँ से। ये रहा भाई खूबसूरती, ब्यूटी एट इट्स बेस्ट। कैसा आफरीन? और अगर आप लोग गाड़ी में नहीं आना चाहते तो यहाँ पे बस भी आती है। जैसे ये देखो HIS कंपनी है, बहुत फेमस बस है। और आफरीन कॉफ़ी पीते हुए ठंडी के मज़े गर्मा गर्म कॉफ़ी से। ये देखो काफ़ी लोग आए आज। तो ये देखो यार क्या प्यारी जगह है। आफरीन बुला रही है, मैं लगता है इसने कुछ देखा है। क्या हुआ, भालू शालू दिख गया क्या? अच्छा बकवीट विद टेम्पुरा। बकवीट विद टेम्पुरा खाना है झींगे का टेम्पुरा। तो खाते हैं क्या? अभी खाएंगे? नहीं नहीं थोड़ी देर बाद, अभी वो राइस केक खा के मुंह मीठा हो गया। यहाँ पे भी कुछ मिल रहा है लेकिन ये अपने काम की चीज नहीं लग रही है। ये बीफ का कटलेट है। तो हम सोबा खाएंगे बाद में टेम्पुरे वाला। ये यहाँ पर मैप लगा हुआ है और आफरीन ने कुछ मैप में देखा है। आफरीन एक लेटर पोस्ट कर दे यहाँ से। म्यूजियम है म्यूजियम। हाँ एक और बात, इधर हम अपने चाहने वालों को पोस्ट कर सकते हैं लेटर। चाहने वाले को क्यों, मैं मेरे दुश्मन को करूँगा यहाँ से। ताकि उसे मुझे एड्रेस पता ना चले। और ये पुरानी हवेली में जा रही है आफरीन 8:40 से लेके 5 तक है यहाँ पर। यहाँ पर खाने पीने का रेस्टोरेंट बहुत है, ज़्यादातर सोबा ही है, सोबा नूडल को कहते हैं। ये देखो कई किस्म के सोबा है यहाँ पर। जारू सोबा, जारू सोबा खाएंगे हम। तो भाई अभी हम लोग सोच रहे कि ये घर में जाए। और ये देखो यहाँ पर फोटो है, शायद कुछ ऐसा होगा यहाँ पर। पर पर्सन कितना है? 600 yen है। दो टिकट ले लो। और अभी ये लड़के से हम टिकट लेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी दुकान भी लगी है। ये पेमेंट हो चुकी हमारी। उसने कहा कि आगे चल के लेफ्ट मारना है। तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं अभी हम।
ये थोड़ा म्यूजियम जैसा लग रहा है मुझे। एक जन का 600 लिया है इसने, एंट्री फी। मैप भी दिया है, ये नाम है इसका, कुछ इस तरह का मैप है। ये क्या लिखा है, गाशो जुकुरी मिंका इन ओपन एयर म्यूजियम। वो हिंदुस्तानी भी दिख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो तो काफ़ी टूरिस्ट आए। चलो अंदर चल के देखते क्या है। और ये कुछ इसका हिस्ट्री है यहाँ पर, 1899 में ये बना हुआ है। चलो अंदर देखते क्या है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो कुछ ऐसे किस्म के घर है अंदर, लगता नहीं है यार इतना पुराना है तो। ऊपर चढ़ के देखते हैं। ऊपर झोपड़े के अंदर और एक झोपड़ा है, ये देखो यहाँ पर ये बर्फ में ऐसा ढक जाता है। तो ये यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे झोपड़े हैं जिसके हमने पेमेंट की है, तो झोपड़े से झोपड़ा जाकर घूम सकते हैं हम, इनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं।